दोस्तों विंडो 11 2021 की शुरुआत में लॉन्च हुआ था और पुराना वाला ऑपरेटिंग सिस्टम यानी विंडो 10 2015 में लॉन्च हुआ था। विंडो 11 विंडो 10 से काफ़ी ज़्यादा फास्ट, इसमें काफ़ी ऐसे नए सारे फीचर और कई सारे शॉर्टकट हैं जिसे आप यूज़ करके आप इजीली और फास्ट काम कर सकते हो। मैं बेसिकली विंडो 11 यूज़ करता हूँ और उसके कई सारे फीचर और कई सारे शॉर्टकट हैं जिसे आप यूज़ करके कई सारे काम फास्ट कर सकते। यदि आपको जल्दी से नोटिफिकेशन चेक करनी है या फिर आपको जल्दी से कैलेंडर खोलना है, फिर आपको जल्दी से न्यूज या फिर वेदर चेक करना है या स्क्रीनशॉट लेना है या फिर मल्टीटास्किंग करनी है, तो इन सभी के लिए शॉर्टकट हैं जो काफ़ी आसान है और इजी भी हैं। तो आइए जानते हैं इन सभी शॉर्टकट के बारे में। यदि आपको अपने कंप्यूटर और लैपटॉप में न्यूज़ चलानी है तो आप बेसिकली प्रेस करेंगे विंडो की प्लस W, इसको प्रेस करने के बाद आपको लेटेस्ट न्यूज़ देखने को मिल जाएगी अपनी स्क्रीन के ऊपर। और इसी तरह आपको नोटिफिकेशन चेक करनी है तो आप विंडो की प्लस N दबाएं जिससे आपको नोटिफिकेशन शो हो जाएंगी। और दूसरा शॉर्टकट है, यदि आप किसी माइक्रोसॉफ्ट यूजर के साथ चैट करना चाहते हैं या फिर उसके साथ वीडियो कॉल करना चाहते हैं तो आप विंडो की प्लस C दबाएं। इससे माइक्रोसॉफ्ट टीम उस माइक्रोसॉफ्ट यूजर के साथ आपको कनेक्ट करने में हेल्प करेगी। और तीसरा शॉर्टकट है स्क्रीनशॉट लेने के लिए। स्क्रीनशॉट लेने के लिए बेसिकली सभी को दिक्कत होती है कि स्क्रीनशॉट आखिर कैसे लिया जाए, तो मैं आपको एक शॉर्टकट बताता हूँ। आप विंडो की प्लस प्रिंट स्क्रीन दबाएं, इससे आपके डेस्कटॉप का स्क्रीनशॉट लिया जाएगा, वो भी आसानी से। और चौथा शॉर्टकट है, जैसे हम अपने मोबाइल में ऊपर से स्क्रॉल डाउन करते हैं तो हमें बहुत सारे नोटिफिकेशन जैसे कि वाईफाई, ब्लूटूथ या फिर फ्लाइट मोड, ये सभी दिखाई देते हैं। तो इसी तरह आप अपने लैपटॉप में भी विंडो की प्लस A दबाएंगे तो आपको भी अपने कंप्यूटर की ये सारी चीज़ें दिख जाएंगी, जिससे आप जो भी चीज़ें ऑन करना चाहते हो या फिर जिसको ऑफ करना चाहते हो वो इजीली कर सकते हो। तो इतने था इस वाली वीडियो के लिए। ऐसे ही अमेजिंग और ट्रिकेबल वीडियो के लिए आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में।